राष्ट्रीय क्या कहना है एलिगेशन के बाद? एलिगेशन अब एक और एलिगेशन लग चुका है, क्या कहना है? क्या कहूँ, एलिगेशन 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 एलिगेशन, सिर्फ एलिगेशंस। कुछ है ही नहीं, कुछ सच ही नहीं है, कुछ भी सच नहीं है। इतने गंदे एलिगेशंस, ना उनका जवाब दे सकती हूँ। क्योंकि देखिए, अगर सामने वाला कुछ एलिगेशंस लगा रहा है, उसके अंदर सच्चाई होती है, तब जाके हम जवाब देते हैं ना। इस वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ पुलिस कंप्लेंट कर रही हूँ। राखी दिन में जितने एलिगेशंस लगाएगी, कम से कम 5-6 तो एलिगेशंस लगाती है, तो दिन के 5 कंप्लेंट हो गई। अभी आप सोचिए 9 नवंबर तक कितनी कंप्लेंट्स इकट्ठी होगी। ओके, क्या कहना है? आपने तो राखी भी बांध दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिश्ते को भी आज भी वो गलत नज़रिए से देख रही है और वही बात दोहरा रही है। उनके पास बातें हैं कुछ और। एक उन्होंने रक्षाबंधन का मुद्दा बना के रखा है, दिन में भैया रात में सैया। फिर वो उनकी आदिल की बड़ी बहन उनको ज्वाइन करती है और उनको बोलती है कि कुछ मैंने कॉल किया था रात को, पी दारू पी के, पता नहीं क्या ही था। इनके पास मुद्दे क्या है? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बिठाई थी, उनके पास बोलने के लिए क्या ही था? सिर्फ झूठ, सिर्फ झूठ। इनकी बातों को कुछ भी नहीं होने वाला है, ये लोग सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। आपके अगर वॉइस रिकॉर्ड, आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी आउट हुई है, क्या कहना है उस बात पर, जहाँ आप कह रहे हो कि राखी को उड़ा देंगे? जी, वो वॉइस रिकॉर्ड पूरा नहीं है और वो उड़ाने वाला शब्द ज़रूर यूज़ हुआ है। पूरी कॉन्वर्सेशन है शर्लिन की तरफ से, मेरी तरफ से, पूरा कॉन्वर्सेशन बाहर लेके आई है। उसमें किसी भी तरीके से उड़ाना, मतलब बंदूक से उड़ाना, तोप से उड़ाना, किसी का मर्डर करना, ऐसे कोई इंटेंशंस नहीं है। ये सब नाटक, ये सब ड्रामे कर रहे, एक वर्ड लेके जो घूम रहे हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है सच्चाई, कुछ भी नहीं है। पूरी रिकॉर्डिंग रखो और फिर आगे बात करो। आप लोग मांगो ना उनसे पूरी रिकॉर्डिंग, मैं बोल रही हूँ ना, पूरी रिकॉर्डिंग है, पूरा कॉन्वर्सेशन है उसमें। 9 नवंबर को 2 महीने बाकी, क्या लगता है इन 2 महीनों में क्या होगा? क्या चीज़ें सॉर्ट आउट ऐसे ही हो जाएंगी, या ये 9 नवंबर को ये चीज़ें क्लियर होगी? मैं तो वेट कर रही हूँ 9 नवंबर का, बट 9 नवंबर तक और गंदगियाँ राखी सावंत की तरफ से और बढ़ेंगी। एलिगेशंस के तो पता नहीं, मेरे पास रखने की जगह नहीं होगी उसके एलिगेशंस, इतने गंदे एलिगेशंस। और क्या क्या बोलना बाकी है, मैं तो देखना ही चाहती हूँ राखी सावंत, जो तुम्हारे अंदर एक समंदर भरा पड़ा है गंदगी का, निकालो समुंदर, दिखा लो। अरे कम से कम जितना गंदगी तुम्हारे पेट में है वो मुझ पर ख़त्म करो, और किसी को टारगेट तो नहीं करोगी? ऑडियंस को क्या कहना है? ऑडियंस को थैंक यू वेरी मच, आप मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। आप लोगों से ही मुझे हिम्मत आती है, आप ऑलवेज मेरे साथ रही है। सच की जीत करनी है और आप सच्चाई देखें। थैंक यू।